नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा डेली का रूटीन है, 6:30 या 7 बजे हम लोग आपस में मिलते हैं और कन्वर्सेशन करते हैं टॉपिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो विषय है वो है एसएससी सीजीएल 2017। बहुत ही अहम एग्ज़ाम, देश की लगभग अगर मैं कहूँ तो नंबर 2 परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और इस परीक्षा में पास होने के लिए सभी विद्यार्थी प्रयास करते हैं और लगभग 3800 के करीब आसपास जगह हैं। 3800 की जगह का मतलब है ये वैकेंसीज लगातार बढ़ेंगी। पिछली बार ये वैकेंसीज 10,000 के समथिंग थी, इस बार ये 3800 है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के सामने सोचने का टाइम नहीं है कि 3800 वैकेंसीज से आगे ये वैकेंसीज 10,000 वैकेंसीज और 3800 वैकेंसीज में बहुत डिफरेंस है। तो इस बार ये वैकेंसीज जैसे जैसे खाली होंगी वैसे वैसे वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, और लगातार एसएससी अपडेट करता रहेगा कि कितना वैकेंसीज हर महीने, 2 महीने 4 महीने में, जिस तरह से पिछली बार से अपडेट आ रही है। पिछली बार भी 4,000 या 5,000 अपडेट थी, वैकेंसीज की अपडेट थी, लेकिन इस बार वही 4,000 5,000 है, वो 10,000 के आसपास पहुंच ही जाएंगी, क्योंकि पूरे 1 साल का समय है इस परीक्षा में। और मैं इस समय लाइव हूं और आप मुझे तमाम तरह की चैट कर सकते हैं एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस समय लाइव हूं और मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, और आज मैं चाहूँगा कि वो तमाम तरह के क्वेश्चंस मेरे सामने करें। सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ने से पहले, हमारा चैनल है टारगेट विद कंपटीशन एग्ज़ाम, जो कि हर तरह की परीक्षा की तैयारी कराता है, और उन परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपको मोटिवेशन देता है, आपको दिशा देता है। तो आपको हमारा चैनल यूट्यूब में जाकर सर्च करें टारगेट विद कंपटीशन एग्ज़ाम और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर अपडेट आप तक पहुँचा सकें। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ लाइव जुड़िए और एसएससी सीजीएल 2017 की प्रिपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वो अहम इसलिए है कि इस बार जो परीक्षा होगी जिसका टाइम होगा 60 मिनट 200 मार्क्स 100 क्वेश्चंस, 25-25 क्वेश्चन आपके जीके में, रीजनिंग में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 50% रहेगी मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 137, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना है। 75 मिनट में किसी व्यक्ति ने 137 लोएस्ट मार्क्स गेन करे थे, तो इस बार आप कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा और मॉक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कट ऑफ या मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आप हमारे से लगातार एसएससी सीजीएल के ऊपर लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जिसके कि मैं कोशिश करूंगा संतोषजनक जवाब दे सकूं। सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए आपको करना है कि एसएससी सीजीएल के अब 60 डेज बाकी है, आज के बाद कल के दिन के बाद 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच ये टीयर 1 की परीक्षा होगी। सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए टीयर 1 की परीक्षा पर, टीयर 1 जहाँ की अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका आने वाले जितने भी टीयर होंगे उनमें आपका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने से होगा कि आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि मुझे ये जो परीक्षा है वो क्लियर करना है, किसी भी कीमत पर क्लियर करना है। अगर आपने ये परीक्षा क्लियर कर दी तो ग्रुप बी या ग्रुप सी में कहीं ना कहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होंगे, और कहीं ना कहीं आपके भविष्य में बहुत सारी चीज़ें सुखद चीज़ें होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल जो कि एक केंद्र सरकार की लगभग सेकंड आईएएस या पीसी आईएएस की परीक्षा के बाद सेकंड दर्जे की परीक्षा है जो कि एसएससी सीजीएल केंद्र सरकार कराती है, और इस बार की एसएससी सीजीएल बहुत खास है क्योंकि जो कंपटीशन है बहुत कड़ा है। कारण क्या है, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा ले लें या एसएससी एमटीएस की परीक्षा ले लें, आपने आवेदनों की संख्या देखी होगी, एसएससी सीएचएसएल में जो आवेदन संख्या थी वो 55 लाख थी, और जबकि एसएससी एमटीएस में 70 लाख। तो लोगों में जागरूकता है एसएससी की जॉब्स में किस तरह से वो बैठे हैं, तो इसके कारण कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं भी ऑनलाइन, जैसे कि एसएससी ने अपनी परीक्षा ऑनलाइन घोषित कर दी है, ऑनलाइन परीक्षा कराएगा, तो इससे जो जिस तरह से पेपर आउट होने की जो संभावनाएं थी वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो इस तरह से अब बिल्कुल फ्रेश आपके सामने ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें कि आपको बहुत ही सटीक उत्तर दे दें। उत्तर कैसे देने हैं, उत्तर देने का भी एक आर्ट होती है, वो हर व्यक्ति के पास नहीं होती है।
अगर आप किसी भी परीक्षा को अगर आप नए सिरे से सोचें कि पहले ऑफलाइन परीक्षा होती थी, अब ऑनलाइन का सिस्टम है। ऑनलाइन परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले मॉक टेस्ट ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट लगातार देते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके नंबर इंक्रीज होंगे और प्रैक्टिस अगर आप ज़बरदस्त क्वांटिटी एप्टीट्यूड की या रीजनिंग की, लोग मेरे से लगातार क्वेश्चन करते हैं कि रीजनिंग और जीके तो थोड़े से नंबर गेन करने वाले वो सब्जेक्ट हैं लेकिन इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप नंबर गेन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ये कहूँगा, आप इंग्लिश में अगर इंग्लिश का अगर पोर्शन जब भी हल करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि इंग्लिश पोर्शन के लिए आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। SSC CGL में जो इंग्लिश आती है वो एक 10th लेवल तक की आती है, यानी कि 10th या 12th लेवल तक की आती है और आप उसे आसानी से प्रैक्टिस करके, सबसे ज़रूरी है आपको जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए। दूसरा विकल्प आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको एवरेज मार्क्स गेन करते हैं, माना कि 25 अंक का ये पेपर, 25 अंक क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, तो आपको कोशिश करनी है 12 से 13 आप बिल्कुल सही क्वेश्चन करें। आपको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि आपको सीमित समय देना है, लगभग 20 से 25 मिनट आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, 20 मिनट आपको रीजनिंग में और 10 मिनट्स इंग्लिश और 10 मिनट्स आपको जीके में देने। जीके का आप कोशिश करें, जीके में 25 क्वेश्चन है, 20 के आसपास मार्क्स लाने की कोशिश करें क्योंकि 5 विषयों पर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल साइंस और जो भी करंट अफेयर के इस तरह के क्वेश्चन हैं उनसे 5 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से बंटवारा होता है जीके के क्वेश्चन में। पिछली बार भी जो सितंबर माह में या अक्टूबर माह में जो CGL की परीक्षा हुई थी उसमें भी इस तरह का था, लगभग हर डिपार्टमेंट से, चाहे जो ज्योग्राफी ले रहे हों, इकोलॉजी ले रहे हों, उनसे दो तीन तीन क्वेश्चन इस तरह से रिपीट थे। तो फ्रेंड्स, मैं लाइव हूँ और आप मेरे से तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं SSC CGL को लेकर। आपके मन में अगर कोई भी शंका है तो आप मेरे से लगातार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो फ्रेंड्स, तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको 60 डेज़ का टाइम है। 60 डेज़ का मतलब है कि हर घंटे आप 4 से 5 घंटे ज़रूर पढ़ें। 4 से 5 घंटे में आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटे में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग 1 घंटा लगभग रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश के लिए आधा पौन घंटा और जीके के लिए आपको बहुत सारी इंटरनेट पर साइट्स हैं जो कि आपको जीके से रिलेटेड ब्यौरा देती हैं। और इसके अलावा मैं कुछ बुक्स का हवाला दूंगा। अब मैं आता हूं बुक्स का कि आपको किन बुक्स का अध्ययन करना है SSC CGL प्रिपेयर करने के लिए। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जो कि आपको मार्क्स अच्छे दिला सकता है। मार्क्स अच्छे दिलाने का मतलब है अगर आप जीके में अच्छा स्कोर करेंगे तो अन्य सब्जेक्ट में आपका दबाव जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में आपके पास ल्यूसेंट की सबसे अहम बुक है। ल्यूसेंट पिछले 10 साल के लगभग सभी जितने भी पेपर्स देखेंगे तो ल्यूसेंट बुक्स में से सबसे ज़्यादा पेपर आते हैं अगर आपने डीपली नॉलेज करी है। बात करें इसके अलावा अरेंथ की बुक ले सकते हैं, मनोरमा ईयर बुक ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, NCERT की 6 to 10 तक की बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात करूं तो सबसे अहम जीके के लिए होता है कि लास्ट टेन ईयर्स के पेपर आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है और लगभग 80% क्वेश्चन उसी में से फंसेगा। अगर आपको कहीं कोई बुक्स नहीं पढ़नी, सबसे शॉर्ट में तैयारी करनी है तो किरण पब्लिकेशन की लास्ट 10 ईयर्स के पेपर ले लीजिए, आपका जीके का काम बिल्कुल फिट हो जाएगा। यानी कि आपको कोई किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है। बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, अगर आप बेसिक क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जाएंगे तो RS अग्रवाल सबसे बढ़िया बुक है, लेकिन 60 डेज़ का टाइम है तो आपके पास RS अग्रवाल पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है आप सर्वेश वर्मा की, M टायरा की बुक्स ले सकते हैं, एडवांस कोई भी मैथमेटिक्स की बुक्स ले सकते हैं जिसमें कि एलजेब्रा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट दी गई हैं। और आपको शॉर्ट ट्रिक्स पर भी ध्यान रखना है क्योंकि जब कम समय होता है तो हम शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कुछ नहीं करना, 12 से 13 क्वेश्चन सही करने, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तीसरा आता है रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग का पोर्शन बड़ा आसान आता है। SSC में रीजनिंग और जीके दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि आप नंबर अर्न कर सकते हैं। तो M.K. पांडे की बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर ले सकते हैं और AK गुप्ता की बुक्स भी आप ले सकते हैं। तो अगर इनमें से जो भी आप बुक्स करेंगे उसमें आप किरण पब्लिकेशन की लास्ट 10 ईयर्स के पेपर ज़रूर देख लें क्योंकि अधिकतर मैंने SSC की परीक्षा में देखा है कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर ही लगातार रिपीट होते हैं। बात करें इंग्लिश की तो वालन मार्टिन ले सकते हैं,
आप ए के सिन्हा की बुक्स ले सकते हैं, ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश ले सकते हैं, 6th to 10th तक का जितना भी आपने इंग्लिश ग्रामेटिकली या idioms ऑफ phrases जो आते हैं वो सब 6th to 10th लेवल के आते हैं। और आपको सबसे ज़रूरी है एलिमिनेट करना सीखना होगा, किसी भी परीक्षा को आपको पास करना है, एलिमिनेट जब तक आप नहीं कर लेंगे आप कन्फ्यूज रहेंगे हमेशा। सबसे ज़रूरी है आपको एलिमिनेट करने की ट्रिक आने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट करें। इसके अलावा एसएससी सीजीएल में सबसे ज़रूरी है कि आपको टीयर वन की तैयारी करनी है तो टीयर वन की अभी से तैयारी को जोर देने, क्योंकि 60 डेज का टाइम है, बहुत सीमित समय है। बहुत सीमित समय का मतलब क्योंकि लगातार जिससे कि तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, एक घंटे का टाइम होता है और आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 200 में से सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है। ये नहीं कि आपको 150 क्वेश्चन करने या 100 क्वेश्चन करने, 120 करने, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको देखने सारे क्वेश्चन हैं, और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन आप 60 मिनट में सारे क्वेश्चन आप देख सकें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टैकल करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कोशिश करें कि हल करने की कोशिश करें। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि 10 मिनट आपको जीके को, 10 मिनट इंग्लिश को, 20 मिनट अधिकतम रीजनिंग को, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 20 मिनट के आसपास देखना है, तो सबसे बढ़िया फंडा है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो अनरिजर्व की 137 थी, बाकी कैटेगरीज के बारे में बात नहीं करूंगा। तो आपको एक अनरिजर्व, आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पर ही अपनी तैयारी को देखना है। अनरिजर्व कैटेगरी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उससे कम तो मार्क्स लाओगे तो कहीं ना कहीं आप असमंजस की स्थिति में रहोगे। अगर मैं कहूँ 60 मिनट्स का टाइम है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कोशिश करें कि आप ये माइंड सेट बना के जाएं अपना कि आपको मुझे 100 क्वेश्चन सही करने हैं। जब आप 100 क्वेश्चन की सही करेंगे तो 60-70 के बीच में आप क्वेश्चन ज़रूर सही कर पाएंगे। अगर आप माइंडसेट 80 का ही लेकर चलेंगे या 70 का लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो करने की क्षमता है या जो भी आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो आप 30 से 40 के बीच में अटक जाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि 120 के आसपास कहीं ना कहीं आपको नंबर खींचने हैं। फ्रेंड्स, एसएससी के रिलेटेड हम लगातार अपनी वीडियोस बनाते रहेंगे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि जीएस की आपको अलग से सेपरेशन वीडियो बताएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि जीएस की किस तरह से तैयारी करनी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की कैसे तैयारी करनी है, रीजनिंग की कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश की तैयारी करना आपका काम है, दिशा देना आपका काम है। एक टीचर का शुरू से ही हम लोगों को बताता है कि टीचर एक दिशा देता है लेकिन चलना उसको स्टूडेंट को ही है। तो आपको एक सफल जीवन की कल्पना करनी है तो हमारे जो हम रास्ता बता रहे हैं कम से कम उसको कहीं कुछ ना कुछ इस साल ट्रिक करें तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है कि आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। हार्ड किसी भी एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क बहुत आवश्यक होता है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे, या तो इस पार या उस पार। तो आपको मालूम है कि आपको उस पार जाना है यानी कि परीक्षा पास करनी है, तो उसके लिए अभी से हार्ड वर्क कर दीजिए। तो कुछ भी, ये वीडियो हमारा केवल एसएससी सीजीएल की जो तैयारी के लिए था, बेसिकली उसी के लिए था, और प्रिपरेशन के लिए टिप्स मैंने आपको बताया, कुछ बुक्स का भी ब्यौरा दिया, समय का भी ब्यौरा दिया, क्वांटिटेटिव। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताऊंगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं इस बार कंपटीशन। एक कारण और है करने का कि कठिन होने का कि ग्रुप बी की वैकेंसीज में जो एज लिमिट है वो 30 हो गई है। तो पिछली बार ये एज लिमिट जो होती थी वो 27 होती थी, तो 3 साल जो बढ़ने से स्टूडेंट्स और ज़्यादा जो कंपटीशन होगा और ज़्यादा कड़ा होगा, यानी कि और ज़्यादा लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। जहाँ के ग्रुप सी की बात है, ग्रुप सी में 18-27 ही एज बाकी है, लेकिन ग्रुप बी की परीक्षा में कंपटीशन बड़ा ही कड़ा है। तो सबसे ज़रूरी है आप टीयर वन की आज ही से तैयारी शुरू कर दें, और हम समय समय पर आपको वीडियो के जरिए अपने टिप्स देते रहेंगे। हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल है टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम, आप ही का चैनल है, आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर अपडेट आप तक प्रोवाइड करा सकें। अगले वीडियो के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।